लाल किले से। लाल किले से मोदी जी ने फिर एक बार झूठ और जुमलों की लड़ी लगा दी। न विकास की बात की, न भारत के भविष्य का रोड मैप बताया। 2 घंटे तक केवल झूठ और जुमलेबाजी करते रहे। आइए आपको मोदी जी के झूठ और उसका सच बताती हूं। जो कभी आतताएं आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे, जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है। मोदी जी, कम से कम लाल किले की प्राचीर से तो सेना के नाम पर झूठ मत बोलिए। आपकी सरकार को बने अभी महज 68 दिन हुए हैं। इन 68 दिनों में जम्मू कश्मीर में 17 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें 18 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। इन आतंकी हमलों में 11 आम नागरिकों की भी मौत हुई है और करीब 47 आम नागरिक घायल हुए हैं। लेकिन आपके हिसाब से तो आप घर में घुसकर मार रहे हैं। अरे घर में तो हमारे चीन घुस गया है, कभी अरुणाचल प्रदेश से तो कभी लद्दाख के रास्ते से। उसे रोकने की बजाय आप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। किस मुंह से, समझ नहीं आता कि किस मुंह से आप ये सब कुछ कहते हैं। देश में आतंकवाद खत्म हो गया है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे हंसी आती है आपकी ऐसी बातों पर। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके शपथ ग्रहण के दिन ही जम्मू में श्रद्धालुओं पर हमला कैसे होता है? सच तो ये है कि सेना का नाम हमेशा आप तब लेते हैं जब आपको अपनी राजनीति चमकानी होती है। केवल अपनी राजनीति चमकाने और वोट पाने के मकसद से आप सेना का नाम लेते हैं, जिसकी कीमत हमारे जवान चुका रहे हैं। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। महिलाओं की बात तो आप रहने ही दीजिए। 2000 महिलाओं का बलात्कार करने वाले रेवन्ना के साथ प्रचार आप करते हैं। महिला पहलवानों का शोषण करने वाले को संसद में अपने साथ आप बिठाते हैं। बेटियों को सड़कों पर पिटवाते हैं। मणिपुर में महिला के चीरहरण पर खामोश रहते हैं और आप महिला अत्याचार और सुरक्षा की बात करते हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्टों का सम्मान करने वाले महिला सुरक्षा पर ज्ञान ना ही देना तो अच्छा रहेगा। शर्म आनी चाहिए आपको। कृपया करके ये ढोंग अब बंद कर दीजिए मोदी जी। ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। खुद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करके बैठे हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदे का धंधा आपने किया, जिसको 2014 तक घोटालेबाज बताते रहे। 2014 के बाद अपनी पार्टी में मिलाकर पाक साफ कर दिया और कह रहे हैं भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। आपके भ्रष्टाचार का नमूना तो पूरा देश देख रहा है। थोड़ी सी बारिश में पूरा सिस्टम लीक कर जाता है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई संसद लीक हो जाती है। 600 करोड़ से बना राम मंदिर लीक हो जाता है। करोड़ों लगाकर बनाया गया एयरपोर्ट ताश की पत्तों की तरफ बिखर जाता है और अब पता नहीं किस मुंह से भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाने चल दिए हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। ये कैसा मजाक है मोदी जी। मीडिया पर 75 पहरे आपने लगवाए, मीडिया को पिंजरे में कैद आपने किया, पत्रकार को पत्तलकार आपने बनाया और अब कह रहे हैं ग्लोबल बनाएंगे। 95% मीडिया आपके इशारे पर चलती है। देश इन्हें गोदी गोदी बुलाता है, आप इन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं। 10 सालों में आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जब आपका मन करता है तो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू कर लेते हैं, खाली अपने मन की बात करते हैं और कह रहे हैं मीडिया को ग्लोबल होना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। अरे मोदी जी, ग्लोबल होने के लिए तो मीडिया को आजाद भी तो होना पड़ेगा। मीडिया को पहले स्वतंत्र तो कर दीजिए, फिर ग्लोबल बनाइएगा। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा, वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। देश में हर दिन रेल हादसे हो रहे हैं, कर्ज में दबकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और आप चाहते हैं कि देश तब भी खुश रहे। आपसे सवाल ना किया जाए, वह मोदी करे। आपके राज्य में अमीरों का कर्जा माफ हो रहा है, किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा है, पेपर लीक के कारण छात्रों के भविष्य पर अंधकार छा रहा है और आप चाहते हैं कि देश निराश ना हो। सच ये है कि आपने और आपकी नीतियों ने 10 सालों में इस देश को निराशा के गर्त में धकेल दिया है। गरीबी, भूखमरी, महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक, हर मुद्दे पर आपकी नाकामी आज देश के लिए काल साबित हो रही है। अब आपकी बातों पर हंसी नहीं, तरस आता है। तरस